स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अपर्णा शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट थर्ड प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक में जॉन लॉक के विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जॉन लॉक का सामाजिक समझौता, मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था आदि का अध्ययन किया था। हमने पढ़ा था कि जॉन लॉक के अनुसार मानव का जो स्वभाव था वो बहुत परोपकारी, सहयोगी, दया, करुणा से भरा हुआ था। मतलब हॉब्स के मानव से बिल्कुल विपरीत मानव स्वभाव का अध्ययन लॉक ने किया था। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए लॉक के व्यक्तिवाद के बारे में जानेंगे। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। वह व्यक्ति का परम उपासक और भक्त है। यह उसके राजनीतिक विचारों की आधारशिला है। वाहन के शब्दों में, लॉक की व्यवस्था में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती है। प्रत्येक वस्तु को इस भांति सजाकर रखा गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रहे। मतलब लॉक ने हमेशा ये प्रयास किया है कि व्यक्ति को सर्वोपरि रखा जाए। हॉब्स ने भी, जैसा कि हम जानते हैं, कि व्यक्ति को ही अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया है। लेकिन हॉब्स के व्यक्तिवाद तथा लॉक के व्यक्तिवाद में बहुत अंतर है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के एकाकी व्यक्ति से प्रारंभ करके निरंकुश संप्रभु का गुणगान किया है। उसके दर्शन में प्राकृतिक व्यवस्था की जो दशा थी वो घोर यंत्रणा, यातना और असुरक्षा सहन करने वाले व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा एक समूह का शासन स्थापित किया था। लेकिन लॉक का जो व्यक्तिवाद है वो थोड़ा भिन्न प्रकार का है। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को एकाकी और निर्धन नहीं कहा। साथ ही लॉक के दर्शन में व्यक्तियों ने समस्त समाज को संप्रभु बनाया, किसी एक व्यक्ति को नहीं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद जो था वो स्वार्थी व्यक्तियों के चारों ओर चक्कर काटता है, जबकि लॉक का व्यक्तिवाद उदारता से ओतप्रोत है। मतलब वो उदारवादी विचारधारा का समर्थन करता है, मतलब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान देता है। लॉक के व्यक्तिवाद को समझने के लिए कुछ बिंदु मुख्य इस प्रकार हैं। राज्य का अधिकार, व्यक्तियों की सहमति। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वे प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट दी है। अतः संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि लॉक ने राज्य सदस्यता के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर किया है, जो कि एक व्यक्तिवादी विचारक है। नेक्स्ट है, राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है। लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीन प्रकार के अधिकार व्यक्ति को प्रदान करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इन्हें वह व्यक्ति के जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का जो उद्भव हुआ है वो इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुआ है। तो राज्य के निर्माण का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है। नेक्स्ट है, व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध। लॉक ने कहा है कि राज्य का निर्माण जनकल्याण के लिए किया गया है। राज्य एक ट्रस्ट के समान है। वह जनता की सहमति पर आधारित तथा वैज्ञानिक होता है। वह हॉब्स के लेवियाथन की भांति असीमित अधिकार संपन्न निरंकुश प्रभु नहीं है। अतः यदि शासक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे अथवा यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का व्यक्ति को अधिकार है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। लॉक प्रत्येक व्यक्ति को अंतकरण के अनुसार धार्मिक पूजा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
उसके अनुसार सभी नागरिकों को इस बात की पूरी छूट होनी चाहिए कि वे अपने के अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सकें या किसी भी धर्म का पालन करें। व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं। मैक्सी ने कहा है कि राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र हैं, वे हॉब्स के लेवियाथन की भांति निरंकुश प्रभु नहीं हैं, किंतु केवल उतने ही अधिकार रखते हैं जो उनके व्यक्तियों द्वारा दिए जाते हैं। मतलब जो हॉब्स का लेवियाथन था वो निरंकुश प्रभु था, लेकिन लॉक कैसा था? लॉक व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक है, जिसने सारे कार्य जो भी किए वो व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए किए कि व्यक्ति का हित सर्वोपरि है। तो लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता का एकमात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। जिसने व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो, राज्य अभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता है। लॉक के राज्य की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की गई है, जिसमें कंपनी के संचालकों तथा हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। तो इस प्रकार जॉन लॉक ने व्यक्ति को अपने संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु माना है। इसी संबंध में बार्कर ने ये कहा है कि लॉक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। इससे संबंधित डनिंग ने कहा है कि व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक की सबसे महत्वपूर्ण देन स्वीकार किया है। मैक्सी ने इस संबंध में कहा है कि लॉक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो डेफिनेशंस हैं उनमें से कुछ डेफिनेशंस लर्न करके आपके आंसर में इन्हें डालना है, जिससे कि आपका आंसर जो है इम्प्रेसिव होता है। तो बीच बीच में जो हम डेफिनेशन देते हैं वो भी आपको लर्न करनी है। तो कतिपय आलोचकों का यह मत है कि लॉक के व्यक्तिवादिता संबंधी विचारों में अंतर्विरोध है। व्यक्ति को अपने चिंतन में अत्यधिक महत्व देते हुए भी लॉक ने उसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं माना, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा में बहुमत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति विशेष अथवा अल्पमत को बहुमत के निर्णय को स्वीकार कर लेना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। यदि व्यक्ति पूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो उसे अपने निजी निर्णय का केवल इसलिए परित्याग कर देने को बाध्य नहीं किया जा सकता कि बहुमत उससे सहमत नहीं है। तो इस प्रकार हमने लॉक का व्यक्तिवाद दर्शन देखा कि लॉक कहाँ कहाँ व्यक्तिवादी है, व्यक्तिवाद के बारे में उसके क्या विचार हैं। अब हम हॉब्स का और लॉक का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हॉब्स और लॉक दोनों ही ब्रिटिश विचारक हैं तथा राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण सामाजिक समझौता मानते हैं। दोनों प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह भी प्रतिपादित करते हैं कि सरकार समझौते में भाग लेगी। दोनों के अनुसार राज्य का उद्देश्य शांति की स्थापना करना, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना और कानून के भंग करने वालों को दंड देना है। लॉक का दर्शन भी हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद पर आधारित है। इन समानताओं के बावजूद भी दोनों के सिद्धांतों में कुछ बुनियादी मतभेद हैं। पहला यह है कि हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, क्रूर, दुष्ट, हिंसक, भय, शक्ति तथा कीर्ति की भावना से प्रेरित होने वाला और पार्श्विक एवं बुरी प्रवृत्तियों को प्रधानता उसमें दिखाई गई है हॉब्स के मानव चरित्र में। वहीं लॉक ये कहता है कि मनुष्य में प्रेम, दयालुता, सहयोगी, करुणा आदि की उद्धत भावनाओं से युक्त मानव का स्वभाव है। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा सतत संघर्ष, युद्ध और विषमता की दशा है। इसमें किसी व्यक्ति का जीवन सुरक्षित नहीं है। माइट इज राइट की दशा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की दशा है। जिसको जो चाहिए वो उसको ले लेगा, चाहे उसे पाने के लिए उसे किसी को मारना ही क्यों ना हो। जबकि लॉक ने ये कहा है कि प्राकृतिक दशा शांति, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की भी कल्पना करता है। नेक्स्ट है,
हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से तीन असुविधाएं थी। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली और इन नियमों को लागू करने वाली सत्ता का अभाव था, अतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए ही राज्य निर्माण का निश्चय किया गया। नेक्स्ट है, हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक ही समझौता किया गया, लेकिन लॉक के अनुसार दो समझौते हुए। पहला समझौता था सामाजिक और दूसरा था राजनीतिक। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है और लॉक ने सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। हॉब्स प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं देता, इसके विपरीत लॉक शासक की शक्तियों को सीमित मानता है। उसके अनुसार बहुसंख्यक प्रजा को राजसत्ता के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार है। तो इस प्रकार हॉब्स और लॉक के विचारों की तुलना करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते एवं राज्य संबंधी विचार अधिक मौलिक, तर्कयुक्त एवं युक्तिसंगत और संबद्धता रखने वाले हैं। अब आता है लॉक की राजनीतिक विचारधारा की आलोचना। तो लॉक के जो राजनीतिक दर्शन की बहुत आलोचनाएं की गई है, तो उस आलोचना में जो मेन मेन चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं कि मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक दृष्टिकोण। तो लॉक ने जो मानव का जो दृष्टिकोण स्वभाव संबंधी प्रकट किया है उसमें क्या कहा है उसने कि मनुष्य कैसा है, नैतिक, दयालु, सहयोगी, परोपकारी, करुणा से भरा हुआ। तो ये मानव स्वभाव की एक प्रकार की कल्पना है, यथार्थ कम और आदर्श अधिक है। मतलब मनुष्य में सिर्फ यही गुण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्राकृतिक अवस्था का वास्तविक चित्रण मानव स्वभाव की भ्रांत धारणा के आधार पर लॉक ने ऐसी प्राकृतिक दशा का चित्रण किया है जो इस भूतल में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है। उसने प्राकृतिक अवस्था को शांत और नैतिक बतलाया है। उसके अनुसार इसमें न केवल अखंड शांति का साम्राज्य था किंतु सब मनुष्य न्याय की स्थापना करने वाले प्राकृतिक नियम का पालन करते थे। जबकि सच्चाई यह है कि आज इतनी अभूतपूर्व प्रगति होने के बाद भी ऐसी शांति स्थापित नहीं हो पाई है। आज भी घोर अशांति, अराजकता और भय का साम्राज्य है। तो ऐसा कैसे माना जा सकता है कि उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत शांत थी, सब लोग प्रेम से रहते थे। तो ये जो चित्रण है वो पूरी तरह से सही नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार का अवास्तविक चित्रण है। नेक्स्ट, राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र कारण जनसहमति नहीं हो सकता है। तो लॉक राज्य निर्माण में जनसहमति को अत्यधिक महत्व देते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे ही राज्यों का उल्लेख है जो बल व शक्ति के आधार पर बने और नष्ट हुए। लॉक का समझौता है वो अस्पष्ट है। समझौते के बारे में लॉक के विचार हॉब्स की भांति सुस्पष्ट और तर्कसंगत नहीं है। लॉक ने समझौते के संबंध में जो कुछ कहा है उसमें उसने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि समाज व शासन की स्थापना के लिए अलग अलग दो समझौते हुए हैं या फिर एक समझौता हुआ है। पर जो कुछ उसने कहा है उसमें कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समझौते दो हुए हैं, कुछ विचारकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समझौता केवल एक ही हुआ है और उससे एक राजनीतिक समाज की स्थापना हुई है। निरंतर क्रांति की आशंका। लॉक के अनुसार यदि सरकार जनहित के विरुद्ध कार्य करे तो जनता के द्वारा विद्रोह करके सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में लॉक का दर्शन जनता के लिए विद्रोह का लाइसेंस बन जाता है, पर सरकार के पास अपनी रक्षा के कोई साधन नहीं रहते हैं। नेक्स्ट, राज्य के स्वरूप का कोई मौलिक सिद्धांत